कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। हम चम 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 नच के खुशी हनुमाना, चम चम नच के खुशी हनुमाना। राम राम बोलो राम, राम बोलो सुन के आ गई हूँ घर और बज रही है 5। अब बस थोड़ी सी चाय पी लूँ, सुबह से कुछ नहीं खाए पिया है और बहुत सर्दी लग रही है, और चलते थोड़ी सी चाय पी लेते हैं फिर कुछ खाना पीना भी बनाते हैं। तो आज कलश यात्रा ही में घूमते रहे, और अभी रामायण भी स्टार्ट हो गई है तो थोड़ी सी रामायण की पूजा करा के कथा वगैरह थोड़ी सी सुन के घर आ गए हैं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। और अब आप सबसे मिल रही हूँ सुबह, तो सुबह उठ के पक्षियों के लिए दाना डाला, और ये मेरी बेटी आ गई है, कल रात में आई है। ये चाय पीनी है, सर्दी बहुत है, देती हूँ अभी। ओके हाँ, तुम्हें नहीं देंगे चाय। तो आज भी बहुत सर्दी है तो फटाफट चाय बना ली है, और चाय पी लेते हैं फिर लगते हैं घर के काम में। तो कथा सुन के आई, और उसके बाद शाम को मैं निकल गई सब्जी मंडी। तो वहाँ से हम दोनों सब्जी मंडी से ढेर सारी सब्जी लेके आए, क्योंकि बेटी को भी आना था और सीजन की सब्जियाँ भी मैं उसको खिलाना चाहती हूँ, और भागवत भी चल रही है तो फिर टाइम भी नहीं मिलेगा। तो फिर फटाफट सब्जी मंडी से ढेर सारी सब्जी उठा लिया है, तो पूरा दिन बिजी बिजी ही गया। देखिए रात में ले आई मैं ढेर सारी सब्जियां, और टाइम नहीं मिला तो रात में नहीं सेट कर पाई। अब सुबह सुबह उठ के सारी सब्जियों को सेट करना है। सब्जी लेने में तो अच्छा लगता है कि ये ले लो वो ले लो, लेकिन सही टाइम पे सही समय पे कोई सब्जी खराब ना हो और हम उसका अच्छे से उपयोग कर सकें, ये बड़ा ही डिफिकल्ट रहता है। कुछ बनाने चलो तो लगता है कि किसी की कुछ डिमांड, आज ये मत बनाओ आज वो मत बनाओ। तो हम लोगों के लिए, हम लेडीजों के लिए सब्जी को यूज करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। टाइम से सारी सब्जियों का यूज कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए मैं हरी सब्जी भी ले आई हूँ, पालक, पालक मेथी बथुआ सरसों चुकंदर गाजर दो तरह की, और मशरूम और गोभी, देखिए बिल्कुल ताजे ताजे गोभी पपीता, और काफ़ी टाइम के बाद मंडी में मुझे ये कैथा मिल गया है, तो मैं दो कैथे भी ले आई हूँ। इनकी चटनी बनाएंगे बढ़िया सी, और अच्छे लगते हैं, और स्मेल से तो लग रहा है कि अंदर पका होगा, अब फोड़ के देखेंगे कैसा है। चलिए फटाफट सब्जी लगा लेते हैं। और आजकल तो सारी सब्जियां बाहर भी कुछ दिन के लिए टिक जाती हैं, सर्दी बहुत पड़ रही है और सब्जी लगाने में ही मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हुए जा रहे हैं।
चलिए पूजा पाठ करके आ गई किचन में और आज समोसे और जलेबी का नाश्ता होगा। रेडी आई है तो उसको भी अच्छे लगते हैं समोसा और जलेबी, और मैं बना लेती हूँ गर्मा गर्म चाय। तो आजकल तो 2-3 बार चाय पी जा रही है, वैसे गर्मियों में कम पीती थी, तो सुबह ही सुबह 2-3 बार चाय हो जाती है और शाम की अलग। सर्दी बहुत। बथुआ की दाल और मूली के पत्ते की भाजी बनने जा रही है। लेके आए थे ढेर सारा धनिया, अब इसको साफ करके बढ़िया से रख देंगे तो अच्छे से चल जाएगी। दाल हो गई है बथुए की, अब बाजरे के आटे का ऐलन लगा दिया है तो थोड़ा सा पका लेंगे, फिर इसको बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे। अब हो गया है खाना पीना बना दिया, लेकिन अभी खाए नहीं और चलते हैं, थोड़ी सी भागवत सुन के आते हैं। सर्दी बहुत है तो मैं कैप लगा के ही जाऊंगी। तो चलिए मंदिर चलते हैं, और आज राम जी का जन्म है तो पीले कपड़े पहन के आने के लिए बोला है, तो मैंने भी पीली साड़ी पहन ली है और ऊपर से डाल दी है शॉल स्वेटर। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी सी भागवत भी सुन के आते हैं। बाय बाय। मीठे मीठे में भजन तो सुनाऊंगी मेरे।
बंधन बारे कहानी जानी हे बंधन बारे कहानी। जय हो भगवान राम। बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद दे रहे हैं। सखी वेश हनुमान जी ने कहा रखा था पुष्पाटिका में, वो अशोक पाटिका में, पुष्पाटिका में की सोवा नारी नारी ना।